हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रमुख पदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी स्टेट पुलिस इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहले और शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा राशेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और यदि पूछा जाए एग्जाम में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग को किसकी जगह रिप्लेस किया गया है, किसके जगह लाया गया है? तो योजना आयोग के जगह नीति आयोग को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री शेखर सेन। अगला सवाल है इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के CEO कौन है? दोस्तों फेसबुक का CEO है मार्क जुगरबर्ग। और फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि फेसबुक की स्थापना कब हुआ था 2004 ईस्वी में और इसका CEO कौन है तो मार्क जुगरबर्ग है और फेसबुक के संस्थापक भी मार्क जुगरबर्ग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों SBI का वर्तमान अध्यक्ष है रजनीश कुमार। और यह किसके जगह लिए हैं? तो ये लिए हैं अरुंधति भट्टाचार्य के जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है के सिवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान। अगला सवाल है CBI के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों CBI का महानिदेशक है आलोक कुमार वर्मा। अगला सवाल है IB के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों IB का अध्यक्ष है राजीव जैन। नेक्स्ट सवाल है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो दोस्तों लोकसभा के महासचिव है सुनीलता श्रीवास्तव। और ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने लोकसभा का महासचिव बनी है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा लोकसभा के महासचिव कौन है? तो सुनीलता श्रीवास्तव जो कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा का महासचिव है दीपक वर्मा। नेक्स्ट सवाल है SAARC के महासचिव कौन है? तो दोस्तों SAARC का महासचिव है अमजद हुसैन बी सियाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है SAARC का महासचिव कौन है? तो अमजद हुसैन बी सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान के महासचिव कौन है? आसियान के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा लिलुओंग मिन जो कि आसियान के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा माननीय पेट्रिसिया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो माननीय पेट्रिसिया जो है राष्ट्रमंडल के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र वात्रा और ये एन रामचंद्रन की जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB जिसका शॉर्ट नेम है ADB और इसका स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में, तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ताके ही को नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधक निदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टिना लेगार्ड जो है महिला है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों विश्व बैंक का अध्यक्ष है जिम योंग किम और ये दोबारा यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, दूसरे कार्यकाल इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC का अध्यक्ष कौन है? तो
दोस्तों एसएससी का अध्यक्ष है असीम खुराना। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल का है। अगला सवाल है, दिल्ली मेट्रो निगम का एमडी कौन है? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो निगम का एमडी है मंगू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों फीफा का वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा का वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा अशोक चावला जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष है। अगला सवाल है, डीआरडीओ के सचिव कौन है? तो दोस्तों डीआरडीओ के सचिव है एस क्रिस्टोफर। अगला सवाल है, भारत का सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारत का सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है प्रसून जोशी, जो कि प्रहलाद निहलानी के जगह लिए हैं। अगला सवाल है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष है शशांक मनोहर, जो कि भारतीय हैं। अगला सवाल है, भारतीय महिला बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, भारतीय महिला बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुश्री एस एम स्वाति, जो कि भारतीय महिला बैंक का कार्यकारी निदेशक है। अगला सवाल है, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा राम सेवक शर्मा। 32वां सवाल है, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एलआईसी का वर्तमान अध्यक्ष है बीके शर्मा जो है एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष है विजय कुमार शर्मा। और लास्ट सवाल है, एफसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एफसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा योगेंद्र त्रिपाठी। और यदि पूछा जाए कि एफसीआई का स्थापना कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1965 में। और तमिलनाडु में पूछा जाए, तमिलनाडु में एफसीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में, लेकिन ऑल इंडिया में 1965 सही आंसर है। और ये रहा आज का मेरा करंट अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक वीडियो मैं इससे रिलेटेड और जारी करूंगा, जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, और उसमें कौन क्या है, भारत के कौन क्या है, उसके ऊपर वीडियो है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज शाम तक वो वीडियो जारी करूँगा। और ये वीडियो अधिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे यानी कि बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा लें, और शाम के जो क्यूज होता है उसमें भाग लें, ताकि आपका GK GS अच्छा हो सके। और एक बात दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि कमेंट जरूर करें। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।